ये प्लेटफॉर्म ऐसा एकदम डरावना क्यों दिख रहा है? मेरे को एक अंकल बोल के गए तू अपना फोन थोड़ा अच्छे से रखना। तो मैं मस्त सोई हुई थी और वो आके मुझे उठा दी। सो गाइस, इतने टाइम के वेट के बाद फाइनली हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं, सोलो ट्रिप। ये तो मतलब मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ चलोगे। मेरे व्लॉग्स देख के आप लोग को भी लगेगा कि आप भी घूम रहे हो। ऐसे ही मेरा मोटिव रहेगा कि आप लोगों को समझे कि कैसा है ये दुनिया। मतलब यार, मतलब मुझे भी नहीं पता, अब तक एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। लेट्स सी कैसे होता है। मैं आपको एक एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, भले ही कुछ पूरा एक्सपीरियंस हो। अकेले जा रही हो, आई हैव नो आइडिया क्या होगा, देखते हैं यार। मज़ा तो आने वाला है ये मुझे पता है, तो लेट्स सी कैसे होता है। तो यहाँ हमने अभी ऑर्डर कर दिया है फ्राइज मील और मैक वेजी। तो फाइनली मैं निकल रही हूँ घर से और रास्ते में हमें भूख लग गया है अभी, तो हम यहाँ पर अभी ऑर्डर कर रहे हैं और अब खाएंगे। तो चलो तो अभी हम लोग ने ले लिया है बर्गर, ये देखो सब लोग खा रहे हैं अभी अच्छे से बैठ के। मम्मी ने अपना काकड़ी लेके आई है खाने के लिए। काट का तो लती रहा मम्मी, ऐसे रख ली। ए मेरे को फ्राइज भी दे भाई जी, चुप बैठ और कोक भी दे। कोक मेरे लिए दे। चलो बाय बाय। तू जा वहां पे चल चल ले पकड़। तो ये अब मेरे को अंदर तक छोड़ रहा है दीपक भैया भी। चलो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं फाइनली अकेले, कैसे पहुँचूंगी पता नहीं, आप लोग को सब कुछ बताऊंगी मैं। तो ये देखो ये स्टेशन है, ये देखो ऐसा रास्ता है नीचे नीचे जाना। तो अभी मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म ढूंढने, अभी सब लोग चले गए बाहर से, तो मुझे ही अभी सब कुछ करना है जो करना है। पहले मुझे चेक करना है कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा ट्रेन। तो मैंने जैसे चेक किया वैसे मुझे समझा कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो मैं 3 नंबर पे जाती हूँ पहले। लेट मी चेक, मैं आप लोगों को बताती हूँ सब कुछ कि कैसे क्या वहाँ जाऊँगी मैं। तो है वहाँ पर देखो 3 नंबर प्लेटफॉर्म ये है। तो देखो ट्रेन सब यहाँ लगी हुई है। ओ शिट, यहाँ तो कुछ ऐसा इंडिकेटर लगा हुआ नहीं है, मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा इंडिकेटर। तो मैं आपको बताती हूँ आगे की कैसे करने वाली हूँ मैं सब कुछ। लेट्स सी नाउ, बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम सुपर एक्साइटेड। ये यार ये प्लेटफॉर्म ऐसा एकदम डरावना क्यों दिख रहा है? चलो तो पहले मैं ट्रेन का देख लेती हूँ। तो ये है मेरा एक सामान और ये एक बैग है मेरा बस, और ये साइड बैग तो मैंने ऐसे ही फ़ोन रखने के लिए लाया। तो ये हो गया, अभी मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ। अभी बहुत टाइम बाकी है, 1 घंटा बाकी है पूरा ट्रेन आने में। तो देखते हैं जैसे आएगा ट्रेन, अभी मतलब प्लेटफॉर्म तो ऑलमोस्ट पूरा खाली है जैसे आप लोग देख सकते हो। यार मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब पता नहीं अभी तक स्टार्ट हुआ है बस ये जर्नी। तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा करेंगे हम लोग साथ में, एंड तक देखना है ये ब्लॉग। इनको मैं पूछती हूँ कौन सा साइड आता है कोच भैया। B2 किधर आता है? B2 आगे। तो इन्होंने बोला है B2 कोच आगे, तो देखो यहाँ इंडिकेटर्स पे लगा के रखे। लेट्स सी अब कैसे बाहर जाना है। तो हम आ गए मुंबई सेंट्रल, B2 और B3 और आ गए, मेरा B3 कोच है। तो चलो मुंबई सेंट्रल, यस पहुंच गए हम मुंबई सेंट्रल, सो लेट्स गो। चलते रहो। ये देखो मेरी बैग और मैं। इतना चल के आई हूँ मैं अभी तक। तो यार ये B3 कहाँ है, प्लेटफॉर्म के बाहर ही कर दिया है B3 को। ये देखो ये प्लेटफॉर्म ख़त्म इधर, और B3 यहाँ है बोल रहे हैं। अभी कैसे चलेगा यार ऐसे, और इतने धूप में ऐसा खड़े रहूँ मैं इधर। यार जल्दी आ गई मैं लगता है इधर आज, बहुत 1 घंटा पूरा बाकी है, अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा।
ट्रेन आ चुकी है अब हमारी। थोड़े टाइम नीचे बैठने के बाद मैं अभी ऊपर आ गई हूँ सोने, क्योंकि यार मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है तो मुझे सोना पड़ेगा थोड़े टाइम। तो मेरा फ़ोन भी थोड़ा चार्ज नहीं है, तो मैंने यहाँ चार्जिंग में लगा दिया ये फ़ोन, और ये तकिए के जैसा मम्मी ने चादर दिया था वो ले लिया, और ये उड़ने वाला चादर ले लिया, और ये सब मेरे इसमें बैठे हुए हैं ये कंपार्टमेंट में। इधर मैं नीचे पहले बैठी हुई थी, बट अब एक्सक्यूज़ मी पानी यार पानी नहीं लाया मैंने, और मेरे को प्यास लग रही है ये ज़ोर से, मैं कब से पानी ढूंढ रही हूँ, बट पानी वाला आया ही नहीं। फ्रूटी वाला आ गया, चाय वाला आ गया, सब लोग आ रहे हैं, बस पानी वाला नहीं आया। मैं कब से बोल रही हूँ यार पानी पीने, मेरे को पिला दो। तो ऐसा है कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं। तो चलो मैंने क्या सोचा है कि अभी पानी का बॉटल जैसे आ गया ना, तो मतलब मैं थोड़ा पी के फिर थोड़े टाइम सो जाऊँगी अच्छे से, फिर शाम को फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह जो करना रहेगा वो कर लूँगी, सब काम कंप्लीट आज ही। तो मतलब थोड़ा सा मेरे को सुबह, मतलब कल थक के अगर घर जाऊँ तो थोड़ा मैं रेस्ट कर पाऊँ, तो आज ही मैं सब कंप्लीट कर लूँगी। सोच रही अभी दिन है तब तक सो जाती, क्योंकि अकेली लड़की जा रही हूँ, अरे फर्स्ट टाइम, मतलब एक आंटी तो है यहाँ पर, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मुझे कैसे क्या करते हैं वगैरह। तो आज शाम को ही मैं लेट जाऊँगी, मतलब सो जाऊँगी, और रात भर जगूंगी फिर पूरा एडिटिंग कंप्लीट करके, फिर सुबह घर जाकर। तो मैं मस्त सोई हुई थी और वो आके मुझे उठा दिया कि वो अंकल ने बोला है चाय देने के लिए। मैं भाई डर गई, कौन सा अंकल ने बोल दिया देने के लिए चाय, तो बट मेरे नीचे वाले को बोला था देने के लिए, उसने गलती से मुझे दे दिया। तो ठीक है, मैंने बोला नहीं नहीं मैं ही पैसे दूंगी, तो मैंने फटफट ले दिया पैसे। देखो मैंने चाय ले लिया, और ये रबड़ी भी जा रहा था तो रबड़ी भी ले लिया। अभी इसका फोटो आदित्य को भेज के चलाऊंगी, उसका फेवरेट है रबड़ी, मैं ज़्यादा नहीं खाती बट उसके लिए लिया है, उसको चलाने के लिए, क्योंकि आज बहुत बोल रहा था कि घर जाके नेचुरल्स का आइसक्रीम खाएगा मेरे, मैं नहीं हूँ। तो चलो उसको फोटो भेजती हूँ। चलो तो मैंने रबड़ी खोल दिया है, चलो फिर मैं रबड़ी खाती हूँ, अभी आप लोग को बताती हूँ, देखते रहो आप लोग। Thank you.
फिर आराम से लेट जाऊंगी, फिर थोड़ा उठ के फिर बाद में एडिटिंग कर लूँगी वीडियो। तो चलो फिर मैं पहले खा लेती हूँ, मम्मी ने बना के भेजा इसलिए मैंने यहाँ ख़रीदा नहीं। यार राजधानी ने पूरा पैसा लिया यार, लेकिन खाने नहीं दिया ये टाइम, ऐसा थोड़ी ना चलता। चलो मम्मी ने क्या दिया है वो मैं आप लोग को बता दूँ। तो कचरे वाले आए थे, मैंने उनको दे दिया, जो मैंने रबड़ी वगैरह खाया था वो सारा फेंक दिया। अभी मम्मी ने क्या दिया है मैं आपको बताती हूँ। रुको पहले खोलने दो, मेरे को एक हाथ से खोलने नहीं जम रहा है। तो ये देखो मम्मी ने क्या दिया है, मेरा फेवरेट मसाला भात, ये देखो। बस ये है कि ये ठंडा हो गया है, मुझे अभी खाना पड़ेगा फिर भी कैसे भी। तो सो गाइस मैंने खाना खा लिया है और अभी मैं सोच रही हूँ एडिटिंग कम्प्लीट कर दूँ मेरा। अभी हम लोग वडोदरा में है, फिर बाद में मैं जाऊँगी पता नहीं किधर, कल सुबह मैं पहुँच जाऊँगी खाली 8:30 बजे। उससे पहले मेरे को एडिटिंग कंप्लीट करना है, अपलोड करना है। फाइनली वीडियो एडिटिंग हो चुका है मेरा काम। तो ये देखो ये मैंने वीडियो एडिट कर दिया है, तो जाके जल्दी देखो आप लोग को अच्छा लगेगा शायद से, पता नहीं, मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा है। वीडियो भले ही थोड़ा छोटा है वो वाला, इसे जल्दी एडिट हो गया, 7 मिनट का वीडियो है, आप लोग को मज़ा आएगा शायद, क्योंकि मैं मज़ा कर रही हूँ अभी ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो एडिट मैंने ट्रेन में किया है, फर्स्ट टाइम कोई वीडियो एडिट मैंने ट्रेन में किया है। तो देखो सब सो गए हैं फिलहाल, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नींद तक आएगा रात में, और एडिटिंग भी जल्दी हो गया। तो मैं सोच रही हूँ अगर आज का ये ब्लॉग, मतलब 12 से पहले अगर ये ब्लॉग हो गया तो सोच रही हूँ ये भी एडिट कर ही दूँ मैं। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट डे का नेक्स्ट दिन होगा। तो शायद आप लोग को अब तक पता चल गया होगा कि मैं जा किधर रही हूँ। देखो तो यस मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो अभी आप लोग को दिल्ली के ब्लॉग्स देखने मिलेंगे मेरे, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग होगा बाहर स्टेट में कोई, तो आप लोग भी मज़ा करो। और तो अब मेरा मन कर रहा है सोने का, और ऐसा लाइट हो गया है तो मुझे नींद आ रही है, देखो कैसे ब्लू 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 लाइट हो गया है पूरा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम सो जाओ, जितना नींद आ रहा है, और नहीं आया तो फिर उठ के ब्लॉगिंग करूँ, और क्या काम है मेरे पास। तो चलो अगर मैं